सीएम भूपेश बघेल ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर भी सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि अगर 70 के दशक में नसबंदी हुई होती तो आज बिल की जरूरत नहीं होती। खाद पर बात करते हुए बघेल ने कहा कि केंद्र खाद को लेकर छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार लगातार कर रही है और खाद की कमी होने के बावजूद केंद्र की तरफ से खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही। वहीं प्रदेश की राजनीति पर सीएम ने कहा कि हमारे पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या है, यदि कोई हमारे दल में शामिल होना चाहता है तो वो निर्णय स्पीकर का होगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई इसलिए नहीं कि सामग्रियों की उपलब्धता नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार की गलत नीतियों का है। आज जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दें तो कानून से कोई समस्या का हल तो होना नहीं है जब तक कि लोगों में अवेयरनेस ना हो। जन जागरण बहुत जरूरी है, उसका महत्व तो समझ रहे हैं क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनके भी जीवन स्तर में सुधार हो, तो इस बात को गरीब से गरीब आदमी भी उसको समझ रहे हैं। पूरे देश में रासायनिक खाद के खासकर डीएपी यूरिया की भारी किल्लत है। भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। डिमांड पिछले साल की तरह इस साल भी भेजा गया है लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में तो 50% रासायनिक खाद भेजे गए लेकिन छत्तीसगढ़ में उससे भी कम रासायनिक खाद भेजे गए हैं। तो ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार डिमांड के बाद भी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। हमें किसी हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है। हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी की तोड़ने की हमारे कोई इच्छा नहीं है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से वो फैसला करते हैं।